तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है ऑल यू वांट। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारा आज का जो वीडियो है वो है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह या फिर एजेंडा ऑफ बीआर इलेक्शन। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है एग्जाम पैटर्न के बारे में, जैसे कि हो गया टीज नेट एग्जाम पैटर्न, जीआरई का एग्जाम पैटर्न, आईएलटीएस का एग्जाम पैटर्न, टोफेल का एग्जाम पैटर्न और अदर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है होगी, तो आप अपने ओपिनियन बताएगा। अगर 25 कमेंट हाँ में कमेंट सेक्शन में आते हैं तो मैं वो भी चालू कर दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को गुजर के अभी 90 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनको जस्टिस नहीं मिल पाया है। उनको जस्टिस ना मिलके बाकी सब काम मीन्स चीजें हो रही है, जैसे सबकी तरह मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, जीडीपी -23.9 जा चुकी है, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, फार्मर्स के इश्यूज रेज हो रहे हैं, उस पे कवरेज ना करके ये जो सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस का मुद्दा है वो अलग तरह पे लेके जाके वो अभी चल रहा है, जस्टिस फॉर कंगना, जस्टिस फॉर अर्नव, जस्टिस फॉर बिहार, और रिया को जो विक्टिम बनाया गया है, मीन्स जो उसके ऊपर मीडिया चलाया जा रहा है, ड्रग का मामला हो या वो कुछ, ये सब डिस्ट्रैक्शन करके आप लोगों को मीडिया जो है प्राइम टाइम में आके बेवकूफ बना रही है। तो आज हम ऐसे 9 पॉइंट्स देखेंगे जो कि आप कन्विंस हो जाओगे कि ये जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत नहीं होके एजेंडा ऑफ बिहार इलेक्शन है। तो चलिए पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट आता है सुशांत सिंह राजपूत का डिप्रेशन एंगल। ठीक है, जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ उसके अगले ही दिन मीडिया ने वो डिप्रेशन में थे, इसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया है ये दिखाना चालू कर दिया था, जैसे कि इनको ही पता हो कि वो कितने ज्यादा डिप्रेशन में थे, उसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया है। तो जैसे आप देख ही सकते हैं ये वीडियो। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दुखद और चौंकाने वाली खबर है। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। डेफिनेटली आई शुड टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट सुशांत वाज इन डिप्रेशन। अभी डिप्रेशन का मुद्दा बंद करके हम निकलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, नेपोटिज्म हिट हिम हार्ड। हमारा पॉइंट नंबर 2 ही है, नेपोटिज्म हिट हिम हार्ड। तो जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ, वैसे ही जिसकी रिलेशन में नहीं दोस्त नहीं कुछ भी नहीं लगती, ऐसे कंगना रानावत आके उन्होंने ट्विटर पे और उनके वीडियो में बोला इंस्टाग्राम पे कि ये सब नेपोटिज्म की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये नेपोटिज्म का मुद्दा उन्होंने वहां पे ला लिया कि हाँ कि स्टार्स किड्स को भी मौका मिलता है, सुशांत सिंह राजपूत। ये सही बात भी है कि बॉलीवुड में स्टार्स किड्स को मौका मिलता है और जो बाहर का आता है उनको मौका नहीं दिया जाता, ऐसे ही डिप्रेशन को अलग करके ये नेपोटिज्म का मुद्दा बीच में घुसाया गया। के बाद ही देश की जनता इन बड़े बड़े फिल्म स्टार से सवाल पूछ रही है और जनता चाहती है कि क्या यही लोग सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार है, ये जानना चाहती है जनता। सुशांत इन 2016 सेड दैट नेपोटिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट लविंग योर ओन, इट इज अबाउट आल्सो किलिंग द राइट टैलेंट, नॉट लेटिंग देम कम अप। और ये भी कहा गया कि नेपोटिज्म की वजह से ही उनको डिप्रेशन आया था। और जैसे मैंने बोला कि कंगना दीदी जब उतरी मैदान में तो ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है वही चेंज हो गया। ठीक है, तो अब निकलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पे। हमारा पॉइंट नंबर 3 है बॉलीवुड माफिया किल हिम। तो अभी जो सुसाइड का केस था अभी वो किस में आ गया, किलिंग में आ गया कि हाँ डिप्रेशन किस वजह से था, नेपोटिज्म। और नेपोटिज्म कहाँ पे है, बॉलीवुड में। तो बॉलीवुड के जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है जैसे भट्ट कैंप हो गया, यशराज फिल्म्स हो गया, सलमान खान प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद एएलटी बालाजी प्रोडक्शन हो गया, अभी मीडिया ने ये दिखाना चालू कर दिया कि इनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को मरना पड़ा है, मीन्स इन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत को मारा है।
ठीक है। मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। सोनिया सेना की सरकार और मूवी माफिया सुशांत की मौत को आत्महत्या साबित करने में लगे हुए हैं। सुशांत उन गैंग्स के शिकार हुए जिन्होंने एक तरफ से बॉलीवुड पर कब्जा कर रखा है। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया, उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। ठीक है, और इसका जो प्रतिसाद इतना बढ़ गया कि उसी टाइम सड़क 2 मूवी का ट्रेलर आया और वो वन ऑफ द वर्स्ट डिसलाइक ट्रेलर, मीन्स यूट्यूब पे अब तक का सबसे ज्यादा डिसलाइक ट्रेलर में से एक वो हो गया है। ठीक है, और उसके बाद अनन्या पांडे का ही खाली पीली का मूवी का ट्रेलर आया था, उसको भी बहुत ज्यादा डिसलाइक मिले हैं, पर नेपोटिज्म की वजह से। ठीक है, तो एक अच्छा मुद्दा सामने आया कि हाँ बाहर मीन्स जो स्टार लोग के किड्स है उनको ज्यादा मौका मिलता है ना कि बाहरी लोगों को। तो अभी चलो ये अच्छा हुआ कि मीन्स अभी बॉलीवुड पे डिस्कशन होगा और बॉलीवुड में कुछ नया काम चलेगा, मीन्स कुछ बदलाव होगा ऐसा सोचने में आया। तभी एक और मुद्दा बदल गया और वो हमारा पॉइंट नंबर 4 है। फिर आया पॉइंट नंबर 4 जो कि था इट वाज अ मर्डर ना कि सुसाइड। तो बॉलीवुड माफिया ने उसका कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है और उसका दिशान सालियान से कुछ रिश्ता था। दिशान सालियान जो कि उसकी मैनेजर रह चुकी है सुशांत सिंह राजपूत की, वो सब कुछ देखती थी। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के एक वीक पहले ही दिशा सालियान ने सुसाइड किया था। ठीक है, तो उसका एक एक एंगल पूरा निचोड़ा गया। ठीक है, तो उसका जो था वो सीबीआई को केस सौंपा गया, उसका एक एक एंगल दिखाया गया कि हाँ किस वजह से मौत हुई है, क्या है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ना कि सुसाइड है। तो रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। I never said murder / suicide. No, it is murder. It is. I said she's a culprit. In her own way, you know what she was doing, she had her own agenda. Shahnawaz Abdul Karim, the ambulance driver who says he along with 2 others got Sushant's mortal remains. His body was already wrapped. सुशांत मामले की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद ही ये कहा जा रहा था कि अब इसमें सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत मामले की जांच भी सीबीआई करेगी और अब ये सीबीआई ने जांच शुरू कर। दिशा सालियान ने सुसाइड किया था तो उसकी बॉडी कहाँ पे थी, कैसी थी, किस कंडीशन में थी, यहाँ तक दिखाया गया। ठीक है, तो तब जाके जो दिशा सालियान के पेरेंट्स थे उन्होंने बोला कि हाँ मेरी बेटी ने सुसाइड किया है, अभी तो उसको छोड़ दो, लेकिन हम तो लोग हैं, हमारे लोग, और मीडिया ने तब भी उसको नहीं छोड़ा और उस पर सीबीआई केस बिठा दी। लेकिन अब क्योंकि पूरा मुद्दा बदल चुका है तो उस पर अभी डिस्कशन कम ही किया जाता है। अब फिर हम टर्न ओवर हो गए हमारे पॉइंट नंबर 5 पे। हमारा पॉइंट नंबर 5 है रिया इज अ कल्प्रिट। ओके, तो क्योंकि अभी वो मर्डर था, जैसे कि मीडिया ने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत का कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, तो किसी को तो विलन बनाना था। तो अभी रिया चक्रवर्ती को मीडिया ने विलन बना दिया और उसके पीछे दिन रात इतने दौड़ते रहे कि उसके फूड डिलीवरी बॉय तक को नहीं छोड़ा। उसको भी पूछा जाता था कि हाँ अभी रिया चक्रवर्ती क्या कर रही है अंदर, वो क्या देख रही है, आप अंदर से बाहर आइए, आपका राय क्या है, आप मीन्स रिया चक्रवर्ती के बारे में आप बताइए, ये सब कुछ पूछा गया। फिर तो क्या था, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिया चक्रवर्ती की सब कुछ निकाली गई। कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत के 40 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती ने हड़पे है, उससे लिए है, उसी की वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा है क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीक हो गया था, उसके बाद रिया ने उस पर काला जादू किया था। तो ये सब कुछ जो है ना वो रिया के बारे में मीडिया ने मिस ए टू जेड गोदी मीडिया ने आपको गलत बताया गया। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को दवाइयों का, जो मेंटल इलनेस की दवाइयां होती है, डिप्रेशन की दवाइयां होती है, उसका ओवरडोज दिया। सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। सुशांत बैंक बैलेंस went from well over 40 crores to just about 1.5 crores, which means around 40 crore rupees was siphoned off from him. Look at this is IMMA
bounce. What is exactly what we're talking about right now? This is chats between Rhea and Jaya Saha. This is the bounce check that we've accessed here. और जब ये सब भी साबित नहीं हुआ, तब हम टर्न ओवर हो गए फिर से अलग स्टेज पे. ठीक है, तो हम आते हैं अभी पॉइंट नंबर 6 पे, जो है हमारा सुपर नेचुरल हेल्प. ठीक है, तो ये सब कुछ होने के बाद 40 करोड़ रिया ने हड़पे है, उस पे काला जादू किया है, ये वो मीडिया ने दिखाने के बाद रहे हमारे सुपर नेचुरल पे, क्योंकि हमको तो नागिन 2 नागिन 3 की आदत है. हम के अंधविश्वास में इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि हम गोदी मीडिया के भी अंधविश्वास में आ गए. और ये वीडियो ही देख लीजिए आप, आपको पता लग जाएगा. सुशांत की आत्मा की लाइव गवाही है, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि खुद जाने मारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का दावा है. मौत के बाद सुशांत से बात, बंद कमरे में सुशांत की आत्मा से मुलाकात. आज सुशांत की आत्मा करेगी खुदकुशी का खुलासा. स्टीव ने कहा कि सुशांत की आत्मा बहुत ही स्ट्रांग थी और उनसे बात करते वक्त उन्हें कई अविश्वसनीय अनुभव हुए. नीतू सिंह से पूछताछ की है, जिसके बाद ये पता चला है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को भूत प्रेत की कहानी सुनाया करती थी. मतलब एक तरफ इश्क का जादू था और दूसरी तरफ इश्क का. अब ये केस सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती से उठकर पॉलिटिक्स में जा चुका था, क्योंकि बिहार पुलिस वालों को ये लग रहा था कि हमारा जो गौरव है सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो बिहार के थे, तो वो बिहार के गौरव बन चुके थे, अभी बिहार के बेटे बन चुके थे पूरे के पूरे. तो बिहार पुलिस वालों को लग रहा था कि सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस अब अच्छे से उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है. ठीक है, तो वो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन करने आना चाहती थी. कहाँ पे? मुंबई में. तो इसी वजह से मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच में एक जंग छिड़ गई कि हाँ अभी कौन इसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगा. अभी आप सभी को तो पता ही है कि महाराष्ट्र पुलिस जो है उन्होंने ड्रग्स माफिया को कंट्रोल नहीं किया, तो अभी बिहार जो पुलिस है ना इतनी अच्छी कि उनका लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है बिहार में कि वो अभी लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे बिठाएंगे? हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में बिठाएंगे वो इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, तो ये अभी पूरा का पूरा सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती से ये मुद्दा अभी पॉलिटिक्स में चला गया. ठीक बाद हमारी पुलिस की टीम गई जांच में असहयोग, और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी जा रहे हैं और उस जहाज में तो बहुत सारे लोग थे. ये तो स्पष्ट दर्शाता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है. तो कभी इस मामले में जस्टिस संभव नहीं था, क्योंकि बिहार पुलिस को वो कभी नहीं कुछ करने देते, और मुझे लगता है कि अपने खुद कुछ करना चाहिए क्योंकि बिहार में इलेक्शन है. ठीक है, तो सुशांत सिंह राजपूत के बड़े बड़े पोस्टर्स वहां पे लगाए गए और उसका उनके नाम पे बहुत सारी पार्टियां प्रचार करने लगी कि ना भूले हैं ना भूलने देंगे. खुद का वहां पे जो चिन्ह बोलते हैं वो लगा के खुद का प्रचार करने लगी कि हाँ हम दिलाएंगे सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ, हम दिलाएंगे. ऐसे बातें कर करके यहाँ पे अभी प्रॉपर बिहार इलेक्शन का एजेंडा चलने लगा. जस्टिस फॉर सुशांत तो भूल जाइए, ठीक है, अभी उनका प्रॉपर एजेंडा चलने लगा कहाँ पे? अपने इस सुशांत सिंह राजपूत के केस पे. तो ऐसे बढ़ बढ़ के ये सब होने के बाद हम आए हमारे पॉइंट नंबर 8 पे, जो कि है ड्रग माफिया एंगल. ठीक है, हमारा पॉइंट नंबर 8 है ड्रग माफिया एंगल. जैसे ही हमारी कंगना दीदी ने रिपब्लिक टीवी पे बोला कि 99% बॉलीवुड ड्रग्स का सेवन करता है, वैसे ही पूरा का पूरा केस जो है वो ड्रग्स और ड्रग्स माफिया की तरफ घूमने लगा और ऐसे बताने लगा जैसे हम लोगों को ये चकाचौंध की दुनिया के पीछे का राज पता ही नहीं है.
सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उन्हें ड्रग्स दिया करती थी। आरोप है कि रिया उन्हें ड्रग्स के नशे का शिकार बनाने में जुटी थी। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेंसी लाओ। अरे वहाँ पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। बॉलीवुड तो ड्रग्स और ड्रग्स माफिया के हाथों बस कठपुतली। ये बहुत हार्ड ड्रग होती है। इसके बारे में ये जानकारी आपको दे दें, 1000 की एक गोली इसकी मिलती है। बॉलीवुड की किसी भी पार्टी के अंदर बिना ड्रग्स के काम नहीं चलता, ये हम सब जानते हैं। बेस्ट वीड एवर। भुवनेश्वर इज द सीन, इट हैज द बेस्ट वीड। बेस्ट वीड, वीड इज आल्सो कॉल्ड ग्रीन और व्हाटएवर, आई डोंट नो, इट्स प्योर कोइंसिडेंस दैट आई एम वेयरिंग ग्रीन टुनाइट। रिया चक्रवर्ती का अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए, साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाए और क्यों ना मीडिया ट्रायल पर ब्रेक लगा लिया जाए। रिया का ड्रग कनेक्शन, मौत का दुबई कनेक्शन। एक एक न्यूज ऐसे दिखाई गई जैसे हमको लगा कि ये पाब्लो एस्कोबार का एपिसोड चल रहा है नार्कोस का, जिसको पता भी नहीं है कि ड्रग्स क्या होता है, कहाँ मिलता है, उसका चीज क्या है, कौन से ड्रग्स होते हैं। उसका पूरा का पूरा ज्ञान उसको मिल गया। लेकिन ये बात यहीं पे खत्म ना होके इसका एक अलग से एंगल आ गया, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 9 और ये आखिरी है कि कंगना वर्सेस शिवसेना। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो था जस्टिस फॉर सुशांत ना होके ये एजेंडा फॉर बिहार इलेक्शन था, और ये था डिस्ट्रैक्शन जो मेन मुद्दे उनको साइड करने के लिए। तो अभी ये जस्टिस फॉर सुशांत सिंह ना होके जस्टिस फॉर कंगना बन गया, जस्टिस फॉर अर्नव बन गया, जस्टिस फॉर बिहार बन गया, फिर जंग छिड़ी गई कंगना और उद्धव साहब में। फिर कंगना ने धमकियां देना चालू कर दिया कि हाँ, जैसे आपने मेरा ऑफिस तोड़ा है, मैं भी आपको देख लूंगी, ये वो ऐसा वैसा। ठीक है, वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। मैं इसके कंक्लूजन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ठीक है, दोनों ने भी गलत किया है, कंगना ने भी गलत किया है, क्योंकि उसने जो स्टेटमेंट दिया था, जो बोला था ट्विटर पे मुंबई पुलिस के बारे में, वो गलत है, और शिवसेना ने जो किया वो भी एक टाइप का गलत ही है। इसमें मैं कंक्लूजन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो जंग छिड़ी गई है, उस पे जो मुद्दा उठाया गया है, इस पे जो मीडिया ने कवरेज हासिल की है, जो टीआरपी मिली है मीडिया को, वो बता रहा हो कि कैसे आपका जो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत है वो निकल के एजेंडा फॉर बिहार इलेक्शन कैसे बन गया, उस पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये कंक्लूजन पे नहीं जाऊंगा कि ये कौन सही था कौन गलत था। ठीक है, तो इसी वजह से ये पॉइंट नंबर 9 पे आके पूरा का पूरा सिमट गया। और जैसे कल ही कंगना ने ये कहा है कि उर्मिला मातोड़कर जो है वो सॉफ्ट पॉर्न स्टार है, ये कहाँ तक का न्याय है बताओ आप, है ना? मीन्स अपने आप को इतना अटेंशन देने के लिए किसी को भी कुछ भी बोल देना। तो ऐसे हमारे जो ये 9 पॉइंट्स है, इससे ये तो आपको साबित हो ही चुका होगा कि ये जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ना होके ये एजेंडा फॉर बिहार इलेक्शन और अटेंशन फॉर कंगना रानावत था। ठीक है, इसमें पीछे कौन गए हैं? इसमें पीछे गए हैं हम लोग, जैसे स्टूडेंट्स हो जिसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, गरीब हो, ठीक है, और जो हमारी जनता है, जो हमारे फार्मर्स है, वो पीछे गए हैं। जो प्राइम टाइम 9 पे आके मीडिया में हमारा फुद्दू काटा है, ये सब राउंड एंड राउंड एंड राउंड गोल गोल घुमा के जो मेन मुद्दे थे उसको डिस्ट्रैक्शन करके, इसी वजह से ये पूरा का पूरा मुद्दा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ आपको लगा कि ये इन्फॉर्मेटिव है, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कुछ नया कंटेंट चाहिए
एग्जाम पैटर्न के बारे में, अलग अलग एग्जाम के पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 25 हाँ में कमेंट कीजिए नीचे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो भी लाऊंगा जल्द से जल्द। और हाँ, अगर वो 25 अगर कमेंट हाँ में आ गए तो मैं डेली वीडियो डालूंगा। ये वीक में 3 बार वीडियो आ रही है, मैं डेली वीडियो डालूंगा और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।